आप लोग भी जी क्या आपकी तो पार्टी है, आप लोग क्या पीछे हो? आप लोग उठाओ हाथ, तालियां बजाते हुए तालियों के साथ विधायक जी का स्वागत करेंगे, वेलकम। और आते हैं माँ माई के दरबार में अपने हाथों से गीता और उद्घाटन। हनुमान जी, दुर्गा मैया, भोले बाबा इत्यादि सब देवी देवता पधारे हैं और विधायक जी के द्वारा उद्घाटन मूर्तियों का और साचे दरबार की। खुदावाली भैया की सुनहरा है, कितना अच्छा मिला है। आपके घर के और आपके क्षेत्र के अजब विधायक जी, ये सौभाग्य है आप लोगों के और इनको भारी से भारी संख्या में आकर नीच के साइकिल पर विजय बनाना है इनको। यहाँ पर उपस्थित जो भागवत कर रहे हैं शास्त्री लोग तथा और भी उनके साथ हैं, यहाँ पर उपस्थित से पूरा सखी और अन्य पूरे गांव से आए हुए सभी नौजवान बुजुर्गवार माताएं जो इतनी तादाद में दिख रही हैं, जो भागवत सुनने एक अच्छे पुनीत कार्य के लिए यहाँ इकट्ठी हुई है। और अभी जैसा कि आप लोगों ने कहा था, एक मंदिर का यहाँ आज मूर्तियों का अनावरण हुआ है और मैं चाहता हूँ यहाँ शेखपुरा में एक भव्य मंदिर बने और हम लोगों की आस्था मंदिर में है और सब लोगों की आपकी भी आस्था मंदिर में है। तो सब शेखपुरा के साथियों ने ये हमसे कहा था कि मंदिर का शुभारंभ होगा, तो मैंने शुभारंभ कर दिया है और उससे जो भी बनेगा इस मंदिर के लिए आप बता दें, अभी घोषणा कर दूं, भट्टा पर ईंट है जो बताओ भिजवा देंगे मंदिर के लिए और जो उससे होगा वो आपके लिए मंदिर के लिए कर दूंगा। और ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा कि आप लोग भागवत में इकट्ठे हुए कथा में इकट्ठे हुए हैं, आप अपने शास्त्री जी को सुनने आए हैं, मुझे सुनने नहीं आए हैं। कहते नहीं है कि कथा में गदा हाँक दिया वो काम नहीं करूंगा और आपको सीधे सीधे शास्त्री जी से मिलवाऊंगा। आप शास्त्री जी से मिलें और उनकी कथा का सम्मान करें। ज्यादा खुश देते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मंदिर है, तो आप मंदिर बनाएंगे प्रधान जी खड़े हैं, हमारे आपके ही प्रधान जी हैं मजराजा सकीट के, एक कुलदीप जी हैं जिला पंचायत के सदस्य हैं हमारे बंसुरी के, हमारे साथ उधर से आ रहे थे, इनके क्षेत्र से भी उधर से ही आ रहा हूँ कोई कार्यक्रम थे और यहाँ मुझे आना था। इन सबका और प्रधान जी का